हेलो फ्रेंड, मैं हूं राजू और आप देख रहे हैं एजुकेशन 33। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि टॉपर स्टूडेंट अपना टाइम टेबल कैसे बनाते हैं जो कि एग्जाम में छक्के छुड़ा देते हैं। तो देखिए फ्रेंड, आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने किस टाइम पर क्या बताया, किस टाइम पर क्या बताया। तो अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो आपको हर एक चीज़ पता लगेगा कि मैं आपको क्या बता रहा हूं। देखिए फ्रेंड, स्टूडेंट जो यानी कि टॉपर स्टूडेंट जो अपना टाइम टेबल बनाते हैं, उसका टाइम टेबल अपना खुद का होता है, यानी दूसरे का दिया हुआ नहीं रहता है। पहली बात तो ये आपको याद रखना है कि अपना टाइम टेबल दूसरे से नहीं बनाना है। यानी हम जो भी आपको बोलेंगे टाइम टेबल, उसको मैंने अति नहीं करना है, मतलब अपने आप पे नहीं लेना है। आपको क्या करना, अपना टाइम टेबल खुद बनाना है। आपको कैसे बनाना है तो सुनिए। देखिए फ्रेंड, टॉपर स्टूडेंट क्या करते हैं कि उसको जब जब टाइम मिलता है फ्री, यानी कि फ्री टाइम उसको जब मिले उस टाइम में वो पढ़ते हैं। उसका टाइम टेबल ही वही है कि वो कोई इतना बजे नहीं पढ़ना, इतना बजे से इतना बजे, लेकिन हाँ ये जरूर करता है कि हमको इतना घंटे पढ़ना है। अगर आप ये सोच के पढ़ते हैं कि मुझे इतने टाइम पढ़ना है तो वो नहीं होगा। आपको क्या करना है कि जब फ्री टाइम मिले उसी टाइम को आपको मैनेज करना है और उस टाइम में आपको फोकस के साथ पढ़ना है। ये ना कि इधर उधर ध्यान है, तब तो भाई आप 10 घंटा पढ़ लो, 2 दिन लगातार ही क्यों ना पढ़ लो, कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि पढ़ाई का मतलब यही होता है कि आपके माइंड में वो चीज़ आनी चाहिए। अगर आपके माइंड में वो चीज़ नहीं आ रही है तो भाई वो पढ़ाई नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखिए कि आपको 6 बजे से लेके शाम यानी कि 7 बजे तक आपको क्या करना है, इसमें आपको बहुत ऐसे टाइम है जो आपको फ्री मिलता है, बहुत ऐसे टाइम है जो आप इस टाइम में बिजी भी हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जिस टाइम में आप बिजी रहते हैं उस टाइम को छोड़ के, यानी जिस टाइम में आप फ्री रहते हैं उस टाइम को आपको स्टडी में ही देना है, सिर्फ और सिर्फ स्टडी में ही देना है। और थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप स्टडी के मुताबिक अगर आप इंजॉयमेंट करने लगते हो तो वो गलत हो जाएगा। आपको करना यही है कि आपके पास जब फ्री टाइम मिले, अगर आपके पास 12 बजे रात में भी फ्री टाइम मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, 12 बजे रात में ही पढ़ो। लेकिन आप दिन में तो सो सकते हो, 12 बजे रात में नहीं सो सकते हो, लेकिन अगर आप 2 बजे भी सोएंगे तो वहाँ पे नींद पूरा करने के लिए आपको थोड़ा सुबह का टाइम कटना पड़ेगा। तो उसी तरीके से टॉपर स्टूडेंट जो करते हैं ना, वो अपना टाइम टेबल खुद ही बनाते हैं। उसको जब टाइम मिलता है, जब मौका मिलता है, जब फ्री टाइम में रहते हैं उसी टाइम में पढ़ते हैं। दूसरे के कहने से नहीं करते हैं कि मैं बता दूंगा कि आप 10 बजे से 12 बजे लगातार पढ़ो और आपका माइंड ही नहीं कर रहा है 10 बजे से। हो सकता है आपका मतलब कि कुछ इधर उधर से हो ही जाता है, मतलब आप अपने अनुसार चलो। किसी का टाइम टेबल अभी होगा कि कोई इस टाइम में कोई बिजी होगा, कभी इस टाइम में होगा कि बहुत लोग फ्री होगा। तो आपको अपने आप में देखना है, हम अभी फ्री हैं तो ये वीडियो बना रहा हूं, तो अगर आप अभी फ्री हैं तो आप पढ़ाई कीजिए, अगर आप बिजी हैं तो उस समय कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टाइम टेबल कभी भी लिख के दे देता हूं कि टाइम टेबल अगर आप फॉलो करेंगे तो वो कभी भी आप इस्तेमाल उसको नहीं कर पाइएगा। तो ऐसे क्या फ़ायदा, बहुत वीडियो में बता रहे हैं इतने बजे से इतने बजे पढ़ो, इतने घंटे पढ़ो, ये सब्जेक्ट को इतना बजे पढ़ो, भाई कोई फ़ायदा नहीं है। ये सब करने से ना आप कभी भी इसको इस्तेमाल नहीं कर पाइएगा, कभी भी इसको यूज नहीं कर पाइएगा। तो आपको करना यही है कि अपना टाइम टेबल खुद ही बनाना है। जब आप अपने टाइम टेबल को खुद बनाते हैं तो आप एग्जाम में जितना मार्क्स आएंगे उतना मिलेगा, लेकिन हाँ कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करना होगा। अगर आपका माइंड फोकस नहीं है तो आप 20 घंटा ही क्यों ना पढ़ लो, कोई फायदा नहीं होने वाला है, मैं ये आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू माई डियर फ्रेंड।